मोबाइल न्यूज 24। लोहरी और मकर संक्रांति एक दूसरे से जुड़े रहने के कारण सांस्कृतिक उत्सव और धार्मिक पर्व का एक अद्भुत त्यौहार है। लोहरी और मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल उत्तर भारत में 13 और 14 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस त्यौहार को ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के लोग मनाते हैं। मकर संक्रांति से पहले की शाम को लोहरी का त्यौहार नई फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में नववधु और बच्चे की पहली लोहरी बहुत ही खास मानी जाती है। लोहरी की रात खुली जगह पर लकड़ियों में पवित्र अग्नि लगाते हैं और परिवार व आस पड़ोस के लोग लोकगीत गाते हुए नए धान के लावे, खील, मक्का, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली आदि उस पवित्र अग्नि को अर्पित कर परिक्रमा करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लोहरी और मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। माना जाता है कि लोहरी का त्यौहार लोग प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। लोहरी के अगले दिन मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि पंजाबी और सिख लोग लोहरी के दिन फसल पकने की खुशी में मनाते हैं, तो वहीं हिंदू धर्म के लोग मकर संक्रांति को फसल पकने पर भगवान को धन्यवाद करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लोहरी और मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में किस नाम से और कैसे मनाया जाता है। पंजाब ही नहीं, बिहार व तमिलनाडु में यह समय फसल कटने का होता है, इसलिए किसानों के लिए यह पर्व बहुत ही महत्व रखता है। पंजाब में मकर संक्रांति के पर्व को लोहरी कहकर पुकारा जाता है। उत्तर भारत और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन को दान के पर्व के रूप में देखा जाता है। उत्तराखंड में इस दिन जगह जगह पर मेले लगाए जाते हैं, साथ ही लोग गंगा स्नान करके तिल मिष्ठान आदि ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान करते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के नाम से जाना जाता है और इस दिन सूर्य की पूजा करने के बाद खीर का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। बंगाल में मकर संक्रांति को पौष पर्वन के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को वहाँ पौष महीने के आखिरी दिन के रूप में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल के घरों में चावल के आटे में नारियल व खजूर का गुड़ भरकर पीठा बनाया जाता है, जबकि असम में मकर संक्रांति को बिहू के नाम से पुकारा जाता है और यहाँ पर लोग लोक नृत्य कर इसे धूमधाम से मनाते हैं। तो ये थी लोहरी और मकर संक्रांति से जुड़ी खबर। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए आप अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें हर खबर से अपडेट।